बावली में सृष्टि कुशवाहा के घर पहुंचे विधायक सुदेश राय, 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत, सृष्टि के परिजनों को सौंपा गया पत्र। नेमावर में आपदा को लेकर हुई बैठक, एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने की अध्यक्षता, बाढ़ से निपटने के ऊपर हुई चर्चा। सिंगरौली में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन, 20 मई से 15 जून तक चलेगा सशक्तिकरण अभियान, कई खेलों का किया जाएगा आयोजन। इंदौर में चैन स्नैचिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूट का माल किया बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। और इंदौर में फार्मिस्ट के घर को चोरों ने बनाया निशाना, घर में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी, सीसीटीवी में कैद भी वारदात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिवपुरी जिले के नगर परिषद बेराड से है, जहां अतिक्रमण का दंश झेल रहे नगर परिषद बेराड वासियों को अब कोई बेघर नहीं कर सकता। बता दें कि बेराड वासियों के प्रयास से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेराड वासियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसी को भी बेघर नहीं करेगी। राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निवासी जिनके पास खुद के रहने का घर नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में बेराड नगर वासियों को भी आवासीय भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। एक 22 साल से तो बेराड में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और हम भोपाल गए थे तो हमें आश्वासन दिया गया है कि आप जो रह रहे हो तो आपको जो जगह पर रह रहे हो आपको आपका पट्टा दिया जाएगा, आप किसी भी जनता बेराड की यानी घर से बेघर नहीं होगी। तो हमें बहुत खुशी है, हम अपने बच्चों को अपने मकान में रखें। अच्छा लग रहा है। तो खुश हो आप? हाँ खुश लग रहा है। तो मामा के लिए कुछ कहना चाह रहे हो आप लोग? क्या कहना चाह रहे हो बताओ? कह रहे थे हम उनको दी थी, हम देंगे भी लोगों ये आया क्या जी, मकान टूट रहे थे, आए चक्कर में आए कि पट्टे हो रहे हैं। तो पट्टे हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? नहीं जो किया के पट्टे हो जाएंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक और उज्जैन इंदौर संभाग के प्रभारी जयवर्धन सिंह भी अपने प्रभार वाली सीटों पर घूमकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी के चलते जयवर्धन सिंह उज्जैन जिले के ताराना विधानसभा क्षेत्र के मांगटौन में पहुंचे और विधायक महेश परमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। मैं आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है, जिसे कांग्रेस की सरकार बनने पर ही समाप्त किया जाएगा। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, लेकिन उसके साथ साथ महेश परमार जी ने जो लगातार काम किया जनता के बीच में, चाहे कोविड काल में हो, चाहे लगातार पिछले 4.5 साल में जो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रहकर, किसान के बीच रहकर, युवाओं के बीच रहकर जो सुनवाई आपने की है महेश परमार जी ने, उसका उनको ये फल मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस बार जो लीड महेश परमार जी की रहेगी कम से कम 10-20 गुना बढ़ेगी इस बार। कि आज कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, जो हमारे अनेक और दिग्गज नेता पूरे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे पचौरी जी हो, चाहे राहुल अजय सिंह जी हो, और भी दिग्गज नेता जो हमारे हैं सब अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, चाहे कराड़ा जी भी हो, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाना है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता का सम्मान हो, उनकी सुनवाई हो, क्योंकि आज जो सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है ये सरकार जनबल की नहीं धनबल की सरकार है, इन लोगों ने पैसे के बल पे। अब खबर उमरिया से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों को जल संसाधन विभाग उमरिया और आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने मिलकर निर्माण कार्य की रफ्तार इस कदर बढ़ा दी कि 10 साल में भी डैम का काम पूरा नहीं हो सका, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री मीना सिंह ने
ही भूमि का पूजन किया था। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण गुणवत्ता विहीन होने की वजह से डैम कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि इसके बन जाने के बाद हमें सिंचाई का फायदा मिलना था और फसल का उत्पादन बढ़ जाता, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी डैम का काम नहीं हो सका है। जल संसाधन विभाग बनवाया है इसको, इसका नाम है पटवारी जलाशय, ग्राम घाटा टोला जो सुंदर दादर पंचायत के अंतर्गत आता है। ये कब बनना शुरू हुआ था? 2012 में इसका उद्घाटन सुश्री मीना सिंह जी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। और आज तक क्या ये किसी किसान को इसके द्वारा पानी मिला है सिंचाई के लिए? किसी किसान को नहीं मिला है सर अभी तक। नहर देख लीजिए कितना जर्जर है, और जर्जर होने के कारण जो है सर किसान को कहाँ से पानी मिलेगा? क्या लागत रही होगी इसके बारे में? इसकी लागत लगभग 4,16,00,000 रुपए है। कहीं पे कोई बोर्ड डिस्प्ले लगा? कुछ नहीं लगा है सर, देख सकते हैं आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी उच्च स्तरीय अधिकारियों तक? सब शिकायत सर प्रमाणित तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत प्रयास किए हैं सर इसके लिए। ये डैम जो है वर्ष 2012 में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत कई जगह पर किया गया है, लेकिन आज तक वह अनकम्प्लीट है। इसके बनने से कितने किसानों को फायदा होता, कुछ अंदाज है? यहाँ पर सुंदर दादर में तो सभी कृषक ही हैं, लेकिन मैं यहाँ से मानता है कम से कम 50% किसानों को यहाँ पर जो है लाभ मिलेगा। अभी चालू नहीं सर। कब से? ये पिछले साल मतलब बना था, फिर बरसात में कुछ खराबी हो गया तो चालू नहीं किया गया था। इससे एक भी सिंचाई अभी तक आज तक किसी किसानों को फायदा मिला? नहीं मिला। सर्वे करके सरकार जनता की मांग के आधार पर जलाशय का निर्माण करती है, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर जलाशय का निर्माण किया जाता है, इसलिए आप जलाशयों को फेल नहीं कह सकते। जलाशयों की वास्तव में आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने वहाँ जलाशय सेंक्शन किए। जलाशय बनाने वाले ठेकेदार द्वारा यदि कोई गुणवत्तापूर्ण या मूलभूत जलाशय बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है या जो उसका पैमाना मापदंड होता है उस अनुरूप नहीं बनाए गए होंगे तो उसकी जाँच कराई जाएगी, और संबंधित उच्च अधिकारियों से आपके माध्यम से यह बात जो मेरे संज्ञान में आई है, मैं कलेक्टर साहब से और अन्य उच्च अधिकारियों से बातचीत करूंगा। गर्मी का मौसम आ रहा है, जल की आवश्यकता अनिवार्य है, और हमारे क्षेत्र में किसानों की लाभ के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता है, और यदि जलाशय में पानी एकत्र नहीं होगा, जलाशय पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता से पूर्ण सुदृढ़ नहीं बनेंगे तो जलाशय टिकेंगे कैसे। इसलिए जलाशय बनना भी जरूरी है और जलाशय में पानी रहना भी जरूरी है। मुंगावली के खुले हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर जाने से दुर्घटना में दिग्वंत सृष्टि कुशवाहा के घर विधायक सुदेश राय पहुंचे और मासूम सृष्टि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा त्वरित 4,00,000 रुपए की स्वीकृति सहायता राशि परिजनों को सौंपी। वहीं आपको बता दें, विधायक ने परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में डांडास बधाया और जिला व प्रदेश के सभी नागरिकों से निवेदन किया है कि हमें अपने आसपास स्थित ट्यूबवेल, बोरवेल, नलकूप आदि के गड्ढों को खुले नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा ऐसी अनहोनी घटनाएं होती रहेंगी जो कि मानवता के लिए उचित नहीं है। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी सूर्या भवन विंध्या नगर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद सेवा द्विवेदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना की और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जिसे भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया है। गुना में लाडली बहना उत्सव के लिए महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली। आपको बता दें कि जिसका विधायक गोपीलाल जाटव हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने स्वयं स्कूटी चलाकर रैली में हिस्सा लिया। वहीं महिला बाल विकास और नगरपालिका द्वारा आज शाम
प्रथम अंतरण राशि के कार्यक्रम में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई, जिसमें नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हम सभी बहना सुबह से जल्दी अपने काम के पीओ के फटाफट और सभी एकत्रित हुए और सभी लोगों ने यहाँ से रैली निकाली। उसके शाम को मुख्यमंत्री लाडली योजना के सभी को प्रमाण दिए जाएंगे। देवास जिले के नेमावर में आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई, जिसमें संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने की। वहीं आपको बताते हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। संभावित खतरे से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर लेना जरूरी है। बाढ़ से निपटने के लिए मोटर बोट चालक, गोताखोर, नाव और जरूरी सामान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। वहीं आपको बता दें कि जहां बाढ़ के कारण टापू जैसे हालात बन जाते हैं, वहां राशन और अन्य आवश्यक जरूरी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी आपदा स्थिति से निपटा जा सके। वहीं आपको बता दें कि बैठक में डिस्ट्रिक्ट कमांडो मधु राजेश तिवारी, एसडीओपी ज्योति उमट, तहसीलदार राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण और कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज अनुभाग खातेगांव की बाढ़ राहत की बैठक की गई थी, जिसमें हमारे खंड स्तरीय सभी अधिकारी सम्मिलित हुए और साथ ही जिला कमांडेंट मैडम तिवारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे और हमें मैडम का भी मार्गदर्शन मिला है। हमने एक कार्ययोजना तैयार की कि पिछले बाढ़ के अनुभव के आधार पर आगामी बाढ़ से कैसे निपटा जा रहा है, इसके लिए क्या क्या संसाधन है उनको सही उपयोग किए जा रहे हैं, इस संबंध में बैठक की। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और इसकी प्रोसीडिंग भी जारी है। सर, बाढ़ में लगभग 22 गांवों के आवागमन बंद हो जाते हैं, इस स्थिति में प्रशासन की क्या पहल रहेगी, उनके वैकल्पिक क्या रास्ते हो सकते हैं और अगर वो टापू बनते हैं या उनके रास्ते बंद होते हैं, कितने समय के लिए बंद होते हैं, इसके हिसाब से पहले से तैयारी करके रखेंगे कि हम क्या सुविधाएं पहले से इकट्ठी कर सकते हैं। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र के वर्दा बुजुर्ग के जंगल से गोवंश से भरे ट्रक को देहात थाना पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर देहात थाना पुलिस ने रात 2 बजे जंगल में पहुंचकर ट्रक को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार गोवंश तस्कर जंगल में गोवंश को ट्रक में भरकर शहर से अन्य राज्य की ओर ले जाने की तैयारी में थे, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक बरामद किया है। रात में सूचना आई थी मुखबिर से कि कुछ गो तस्कर हैं, वो जानवरों को भर के एक मेटाडोर में ले जा रहे हैं। इस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि मेरे को निर्देशित किया गया कि इसमें कार्रवाई करें। तत्काल थाना देहात और थाना मानपुर की पुलिस को रवाना किया गया और ग्राम वर्दा बुजुर्ग है गांव, उसमें घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी भाग गए थे और जो गाड़ी है मेटाडोर उसको भी क्षतिग्रस्त कर गए थे, जिससे गाड़ी चलने लायक स्थिति में नहीं थी। उसमें से 15 बछड़े और बछड़ों को गौशाला में रखा गया। सर, इसमें कितने 6 आरोपी हैं और ये शंकर। मंदसौर जिले के सुबासरा विधानसभा के ग्राम खजेड़िया में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरे दिन दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। दिव्य दरबार में कई श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई, वहीं लोगों की समस्याओं को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सुनने से पहले ही पर्चों में लिख दिया। इस दौरान अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, सब बाबा के दिव्य दरबार में आम आदमी की तरह नजर आए। वहीं पंडाल बागेश्वर धाम के जयकारों से गूंज उठा। इन दिनों सुवासरा विधानसभा क्षेत्र बालाजी के जयकारों से गूंज रहा है, विशेषकर ग्राम खेजड़िया में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। सागर में भगवान श्री परशुराम कथा का आयोजन मध्य प्रदेश सर्व विप्र
महासंगठन के द्वारा किया जा रहा है। 3 दिवसीय कथा के माध्यम से हरि विष्णु के 6वें अवतार परशुराम के जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदर तरीके से कथा आचार्य पंडित रमेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। साथ ही कथा के माध्यम से सामाजिक समरसता के प्रेरणा स्रोत धर्म और नीति के प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से कथा में उल्लेखनीय वर्णन को सार को अपनी भाषा में सुनाया। उन्होंने इस दौरान धर्म और कर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित करते हुए इसे एक सिक्के का दो पहलू बताए। वहीं आपको बता दें इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर मौजूद रहे। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आगे भी ऐसे ही समर कैंप आयोजित करने का वादा किया। वही कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक सुदेश राय ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करने का वादा किया। इस दौरान सभी प्रशिक्षु और उनके गुरुजनों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक मिलन भंडारी, जिला खेल अधिकारी अरविंद सहित बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। धार में एक बड़ी चिट कंपनी का कोतवाली ने पर्दाफाश किया है, जिसने लोगों को दी गई राशि को 3 गुना लौटाने का लालच देकर चूना लगाया है। बता दें कि पुलिस को फरियादी अखिलेश चौधरी ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी में काम करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें इस बारे में शहर कोतवाली दीपक सिंह चौहान ने बताया कि आवेदनकर्ता अखिलेश चौधरी की शिकायत पर महाराष्ट्र के रहने वाले तेज कुमार, भावना हर्षिक, विशाल सा और शुभम तिवारी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चौधरी पिता रामेश्वर चौधरी निवासी धार ने थाने को सूचना दी थी, लिखित सूचना, कि उसके साथ एसएम ट्रेड कंपनी के संचालकों के द्वारा 3 गुना पैसा करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई। उक्त फरियादी के आवेदन पत्र पर आरोपीगण रितेश पंचाल, भारती पंचाल, हर्षिक कुमार पंचाल, विशाल शाह, शुभम तिवारी, पंकज सोलंकी और अन्य उनके जो साथीगण हैं उनके विरुद्ध धारा अपराध की धारा 420, 406, 409, 34 भादवी कामा मध्य प्रदेश के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई थाना कोतवाली के द्वारा की जाएगी। कितने राशि 420 की एफआईआर दर्ज हुई? अभी उक्त तो फरियादी के अंदर 3 फरियादी और हमारे पास आए हैं, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ ही फ्रॉड किया जाएगा, तो उनकी अगर तीनों की राशि और इनकी राशि के मिला दिया जाए तो लगभग 60 लाख के आसपास की राशि हमारे पास सामने आ रही है। और भी ऐसा सूचना मिल रही है गुप्त सूत्रों के द्वारा कि धार में अन्य भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी इस प्रकार का फ्रॉड एसएम ट्रेड कंपनी के द्वारा किया गया है, किंतु वो लोग अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, किंतु जानकारी मिली है कि शीघ्र वो भी सामने उनको भी लेके आएंगे और उनकी सबकी जब राशि मिला के कुल राशि के तभी। इंदौर में चाइनीज स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर जन्मदिन मनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के पास से लूट का माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी पूर्व में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। राजेंद्रनगर थाना और जुनेंद्र थाने के क्षेत्र में 2 बाइक वाले लड़कों ने चेन स्नैचिंग करी थी, उनको मुखबिर सूचना पे पकड़ा है और उनसे जो चेन जो महिलाओं से छीनी थी उसको भी बरामद कर लिया है। तो उनके द्वारा जो चेन छीनी थी वो सोनी को बेची थी, उसको भी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। सर पूछताछ में क्या था? इन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए चेन को छीन के जन्मदिन मनाया था। अभी तक और कुछ वार्तालाप और अभी पूछताछ चल रही है इसमें, कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह है, इनके पुराने रिकॉर्ड है, यश ठाकुर और रितेश सोनी करके 2 लड़के का माल बरामद किया, करीब 50-60 हजार रुपये का ज्वेलरी। इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक्सट्रोशन का केस दर्ज करवाया है। पति का आरोप है कि पत्नी और उसका केस चल रहा है, लेकिन अब पत्नी तलाक के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच शादी के बाद से ही अनबन चल रही थी, जिसके कारण दोनों अलग रह रहे थे, लेकिन अचानक पति राम
राजपूत ने पुलिस को अपने पीड़ा व्यक्त कर बताया कि उसकी पत्नी 6 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, साथ ही समाज में बदनाम करने की धमकी दे रही है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना भौरपा क्षेत्र में एक आवेदक की रिपोर्ट को उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक का कहना यह है कि उसका उसकी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा है। पत्नी उसकी ललितपुर में है और वहां से जो है फोन पर अश्लील गाली गलौज करती है पति के साथ में, और उससे जो है वो तलाक के संबंध में भी इनका प्रकरण चल रहा है, तो उस संबंध में उससे जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की डिमांड भी करती है। तो उस गाली गलौज और इस इलीगल डिमांड के आधार पर जो है एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है भौरपा पुलिस के द्वारा, और विवेचना में जो तथ्य जो चीजें जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी के बीच। अब खबर इंदौर से है, जहां पारिवारिक कार्य से बाहर गए फार्मा कंपनी में काम करने वाले फार्मासिस्ट के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और पार्किंग में रखी 2 मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए, जिसकी वारदात आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परसों रात्रि में चोरी हुई थी उसकी, कल फरियादी नीरज राठौर द्वारा थाने पर सूचना देने पर अपराध कायम किया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और कुछ नकब जनी ताला तोड़कर चोरी हुई है। उसकी FIR होने के बाद में जांच जारी है। आज बार सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और अज्ञात आरोप। छतरपुर जिले के भगवा बड़ा मल्हारा मखान खेड़ा के सरकारी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक राम मिलन लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां शिक्षक राम मिलन लोधी एक शादी समारोह में डांसर को गोदी में उठाकर डांस कर रहे हैं। बता दें कि डांसर ने शिक्षक की इस अश्लील हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं एक शिक्षक का इस तरीके से वीडियो सामने आने के बाद अपने आप में ही कई तरह के सवाल खड़े करता है। वहीं इस मामले में राममिलन लोधी से बात की गई तो उन्होंने क्या सफाई पेश की, आइए आपको सुनाते हैं। राममिलन लोधी, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष का हूँ छतरपुर जिले का, और मैं बचपन में इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं इसी में हेडमास्टर हूँ। तो मेरी गाँव दारी में मैं इसी गाँव में रहता हूँ, और मेरी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश होने के कारण मुझे झूठा बदनाम किया गया है। और मेरा जो डांस किया है, मेरे छोटे भाई ने डांस किया है, जो हम दोनों भाई एक शक्ल के हैं, हम दोनों भाई एक जगह खड़े हो जाएंगे तो आप ये नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों हम शक्ल के एक शक्ल के। इसलिए मैं जिस बारात में वो वीडियो वायरल हुआ, मैं उस बारात में तक नहीं गया था, मुझे झूठा बदनाम किया गया है। आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, मैं शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष, मैं समाज शिक्षक संघ की जो स्कूल के 4 के बाद मैं स्कूल की सेवा करता हूँ, जो समाज की सेवा करता हूँ, और मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं अभी तक किया है जो मुझे ऐसा आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप ही का है कि आपके छोटे भाई का? मेरे छोटे भाई का है, मेरे छोटे भाई नंद। खबर सागर से है, जहां देश के आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले आदिवासी समाज के क्रांतिकारी नेता अमर शहीद बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अमित दुबे रामजी ने कहा कि बिरसा ने आबुआ देश में आबुआ राज के नारे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को झकझोरने वाले जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जिसके लिए हम सभी के आदर्श धरती आबा बिरसा मुंडा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित करते हैं। बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है सागर के कागरगंज और पंतनगर क्षेत्र में, यहाँ हम अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जी ऐसे अमर शहीद रहे हैं जिन्होंने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी, और अबुआ देश अबुआ राज के नारे के साथ आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की हुकूमत हिला के रख दी। ऐसे अमर शहीद बिरसा मुंडा जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि यहाँ मनाई गई है। साथ ही उनकी पुण्यतिथि के साथ यहाँ इस सागर के क्षेत्र में हम लोगों ने आज
कमलनाथ जी की मेहती योजना नारी सम्मान योजना के भी फॉर्म भरे हैं, जिसमें यहाँ हमारी नारी शक्ति महिलाओं ने निश्चित रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और स्वयं भी आकर अपने फॉर्म भरा। नारी सम्मान योजना को आपके हिसाब से कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे लगता है कि नारी सम्मान योजना जो है कमलनाथ जी की सबसे महती योजना है। इसके मार्फत हम लोग घर घर तक जाकर उनको उनका समुचित सम्मान निश्चित रूप से दे पाएंगे और इसका आने वाले चुनाव में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।